लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात टमाटर के बाद महंगे प्याज की। और अब बात महंगाई की कर लेते हैं। टमाटर से जनता पहले से ही त्रस्त है, लेकिन एक और महंगाई का झटका लगने वाला। जी हां, जिस तरह से रोजाना प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज जनता को रुलाने के लिए तैयार है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल प्याज 28 रुपए से लेकर 32 रुपए किलो तक बिक रही है, जो अगले महीने तक और बढ़ेगी, 70 से 80 रुपए किलो तक हो सकती है। दरअसल बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान के कारण प्याज के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अब टमाटर के बाद प्याज की कीमतें लोगों को रुलाने की तैयारी में। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर चार अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं, दिल्ली, मुंबई, बिहार और छत्तीसगढ़ की, जहां पर मंडियों में प्याज के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और अब इस बात की आशंकाएं भी बड़ी होने लगी हैं कि टमाटर के बाद प्याज रुलाएगा। यानी कि टमाटर ने तो पहले जायका खराब कर रखा था, लेकिन अगर प्याज के दाम भी बढ़ते हैं तो फिर ये एक नई और बड़ी मुसीबत आएगी। तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई और इसके अलावा चार और शहर हैं, पटना और छत्तीसगढ़, जहां पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द दामों में तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। और दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज की कीमतों में उछाल आया हुआ है। दिल्ली में बारिश और साथ ही 15 अगस्त को बॉर्डर सील होने की वजह से प्याज मार्केट में आ नहीं रही है, जिसकी वजह से भी प्याज के दाम काफी बढ़े हुए हैं। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो लोगों के प्लेट का स्वाद खराब कर रहे हैं। जहां टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे थे, अब वहीं प्याज भी चरम पर पहुंचने लगा है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े सब्जी मंडी यानी कि आजादपुर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। और आप जरा देखिए, तो इस वक्त हम यहाँ पर एक होलसेल प्याज की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां पर लोग सुबह सुबह थोक के भाव में प्याज खरीदने आए हैं। आप देखिए, ट्रक भरकर लोग इस तरीके से प्याज यहां पर थोक के भाव में ले जाते हैं और उसके बाद रिटेल यानी कि ठेलों में, गली मोहल्लों में जाकर बेचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या भाव है और किस तरीके से भाव जो है प्याज का लगातार बढ़ रहा है। सर, क्या नाम है आप? विजय कुमार है। आप यहाँ पर प्याज खरीदने आए हैं? खरीदने आया हूँ। थोक में खरीदने आप प्याज? हाँ, थोक में खरीदता हूँ। उसके बाद आप जाकर उसको रिटेल में बेचते हैं? हाँ, मैं उसको खोल के खुला में बेचते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त थोक में आपको प्याज का क्या भाव मिल रहा है? ऐसा है, तो एक बैग प्याज का दाम बढ़ गया है, क्योंकि अभी कल परसों तक कुछ मीडियम में चल रहा था, लेकिन कल प्याज एक बैग बढ़ गया, कम से कम किलो के पीछे 10 रुपया किलो के बढ़ गया, मतलब 30 रुपया बिक रहा था, 40 हो गया है। प्याज के बढ़ते दाम लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। पहले जहां टमाटर महंगा था, वहीं अब प्याज के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। कल देर शाम से ही प्याज के दाम में उछाल देखने को मिला है और ये जो है आगे इसके दाम और बढ़ने वाले हैं, ये बता रहे हैं हमें यहाँ जो आज़ादपुर मंडी है, वहाँ हम पहुँचे और वहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं जो थोक में माल यानी कि प्याज बेचते हैं, वो बता रहे हैं कि दाम अभी और बढ़ने की संभावना है। क्या नाम है सर आपका? नाम अमरजीत सिंह हुआ। ये बताइए कि प्याज के दाम कब बढ़े हैं और कितना बदलाव भी देखने को मिला प्याज के दाम? प्याज की कीमत कम होने की वजह से यहाँ बाजार तेजी हुआ, आगे पीछे कीमत कम हो रहा, इसलिए कोई पता नहीं चल रहा कि कितने बाजार तेज होगा, इसके आगे पीछे अभी हम कुछ बता नहीं सकते। कुछ लोग थोक तो कुछ लोग खुला प्याज लेने भी आते हैं और दोनों के भाव में बड़ा अंतर रहता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हैं जो प्याज अपने घर के लिए लेने आई हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्या देवी। बताइए, प्याज के दाम में कुछ अंतर आया है क्या दो चार दिनों में? बहुत अंतर आ गई है। क्या बढ़े हैं दाम? दाम बढ़ गया है। आप भी प्याज लेने आई हैं अपने घर के लिए, तो क्या दाम बढ़े हैं प्याज के? ऐसे बढ़े थे। प्याज के दाम बढ़ने से कितनी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, किस तरीके से किचन सामान दिक्कत है? तब तो बोले खुले, मैं तो वैसे लेते नहीं, मैं से 10-5 किलो लूंगी बस। काफी महंगा हो गया, पहले टमाटर बढ़ गए थे और अब प्याज का दाम बढ़ गया, तो कितनी दिक्कत आप लोगों को इस वजह से हो रही है? लगातार सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत चल रही है। प्याज के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ मंडी पर पहुंचने से पता चला है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और बढ़ोतरी होगी, यानी कि प्याज के दाम इस वक्त कम नहीं होने वाले हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, आजादपुर मंडी, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है।
वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।